Thank you.
कोई सदगुरु का दिलासा नाम से आयन सुख फल पायन आठ पैर आरा दे तेरी शरण तेरे फरवासे पंच दुष्ट लैसा दे ज्ञान ज्ञान किस कर्म न जाना सार न जाना तेरी सबसे वटा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सतगुरु नानक मर्दाने ने रवा
ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ। ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ।
मन अहंकार जस करदे करदे जो समाप्ति हुई देर तो बाद अर्ज कर लगा गुरु बाबा जी के चरण गरीब नवाज मेरा अपने पिंड जाने दिल कर अपने परिवार में मेनू जी चाहता है कृपा करो मैनू छुट्टी दो। और गुरु बाबा जी कहने मरदाने पता है आप किथे बैठे तेरे पिंड का रास्ता किधर दी है कोई पता नहीं जानेगा कि मरदाना कह लगा महाराज कुछ पुछ के चला जावा मैनू आग्या दो। गुरु जी ने फिर फरमाया मरदाने घना जंगल है और भी अबान है इस बड़िया डरावनिया शक्लों वाले बड़े बड़े दरिंदे रेंदे हैं ऐसा ना हो तेन कोई नुकसान पहुंचे क्यों इतने ही चलेंगे समा आएगा घबरा ना। पर मरदाने पता नहीं की भूतना चिंबड़ गई तो बार बार प्रार्थना करी ने फिर ना छुट्टी दे आई बाले ने नहीं समझाया पर इतनी मन का पता नहीं की इस चित अटपटी लग गई। गुरु जी ने फिर फरमाया मरदाने रस्ते बड़िया बलावा रेंदियां ऐसा ना हो तेन नुकसान पहुंचे इस करके ख्याल ना कर हट ना कर चलेंगे कट्ठे ही तलवंडी में चलेंगे। पर नहीं मरदाने ने ज्यों त्यों करके गुरु बाबा जी से छुट्टी लै ही ली चंगे कहने तेरी खुशी पाईदा मरदाना उतों चल पैंदा बड़ा पता नहीं कितना कलम्मा और घना जंगल जांदिया जांदिया जदों नौ कुआं दे फासले ते गया एक राक्ष ने मरदाने फड़ लिया फड़ के बड़ा खुश होया कहन लगा बड़ी देर बाद मैनू अज आदमी मिले तेनों मैं तेल दे भी तल के खावांगा सोइयों तेल का कड़ाह रख दिता तल गर्म होने वास्ते मरदाने ने नूड़ के एक कोठे में छिड़ दिया। हुण मरदाना याद करदा गुरु बाबा जी कहिंदे सन रस्ते च बुलावां सन रस्ते च बड़ियां भयानक डरावणियां शिकलां वाले बहुत दरिंदे रहिंदे हन कोई गल सामने आई मैं बड़ी गलती कीती मैं गुरु बाबा जी का हुक्म ना मन्निया भावें भाई वाले ने भी समझाया पर हुण की कीता जा सकदा गुरु ही कृपा करे गुरु ही मेहर करे मदद करे होर कोई उपाय नहीं। सातवीं अखीर मरदाने ने अंदर ही अंदर गुरु चरणा का ध्यान करके बार बार प्रार्थना करनी शुरू की थी। बुरे फले हम तेरे बुरे फले हम तेरे Thank you.
पर मेरे जी जंत तेरे तारे रात पैज नामी अपने की करन कराव नहारे पर जियो सुषमा ना कर प्यारे बुरे फले हम सारे हे अंतर जान हे पतत पावन हे करण कारण हे मेहरबान हे सतमान कृपा करो मेहर करो अपने नाम की लज्जा रखो इस बला तो बचाओ जिसने कड़ाह तेल का उबन वास्ते रख दिता है कहता ये भी तल के खावाना पकौड़ा बना के खावाना ये सच्चे पातशाह पाए मैं रुलती की हजूर का वचन ना मन उसकी सजा मैनू मिल रही है पर आप सबरत हो जिमें चाहो उसी तरीके से मेरी सहायता कर सकते हो इतिहास मरदाना अंदर ही अंदर गुरु बाबा जी के चरणों का ध्यान धर के प्रार्थना बेनती जोदड़िया कर रहे जदों अंतरीव अरदास गुरु बाबा जी के चरणों में पहुंची उस मौके कह लगे भाई बाला मरदानन का रक्ष ने फड़ लिया इसको तल के खाने वास्ते तैयारी कर रहे हैं कड़ाह तेल का उबलना रख दिता है खुद छिटके इसको तल के खाने के वास्ते काला हो रहा है ये वचन सुन के भाई बाला कह लगे गरीब नवाज वो इसी के लायक से उसी भी रोकया मैं भी बड़ा समझाया भी अकल कर पर उसने एक ना मनी इस करके वो यह जी होनी ही चाहिए है गुरु जी का ना पाए अपने भी शर्म होंगी आप उसकी जरूर मदद करनी है पूछने लगे भाई वाला तो गरीब है कितनी दूर है इतों गुरु जी कहते नौ पवन के फासले से है कितनी देर में तो तल के खा जाएगा जो आप पहुंचेंगे आप पैदल जाना है इस तो उपा साढ़े पास कोई जल्दी पहुंचने का साधन नहीं है तो कितनी देर में गुरु उसको खा जाएगा ये कैसे बन सकेगी गरीब नवाज गुरु जी कहने कोई गल नहीं सानू करतार छेती पहुंचा देगा गुरु जी ने भाई बाले का हथ अपने हथ में फड़िया कह लगे अखा मीट भाई बाले ने अखा मीटियां या इतने बैठे हैं या उधर मरदाने ने जा दिखाई दिता मरदाना कोठे में नुड़िया पे बिटर बिटर तक रहा है जदों गुरु बाबा जी ने देखा चित बहुत खुशी हो गई कि हम जरूर मैनू बचा लेंगे छुड़ा लेंगे पर शर्म का भी है आज्ञा भंग करके आया है कह रही हूँ पर गुरु जी ने कौडे में दिखाई नहीं दी वो आर बिच लग्या होया है कदे लकड़ा डाउंदा है किराए दे अग तेज करता है छेती तेल बहुत ज्यादा गर्म हो जाए छेती कट जाए इसमें वो छिट के जल्दी भुन के खा मच रही है अग वर्ग ही गर्म हो जाता और आखिर शक्ल दे कई जी भयानक है यहो जी डरावनी शक्ल से वह मरदाना पिया है अंदर मुझे तो यूं इसी तरह गुरु जी ने तोड़े राक्ष के अखों के उपर तो माया की पट्टी पा छी मरदाने गुरु जी ने उस मौके अगे तो कहते उन्हें मरदाने रवाब बजा तेल का कड़ाहा अग हेठा मच रही है अग वर्ग ही गर्म हो जाता हम तोड़े ने इन्हें राक्ष ने आके मरदाने मोटे उपर रख लिया कड़ाहे के कोल मरदाने चक के कड़ाहे के छिड़ दिता जिमें लोग पकौड़े तलते होंगे हाँ पर गुरु जी ने उस मौके अगे तो कहते उन्हें मरदाने रवाब बजा मरदाने के नाल तो यह बीत रही है रवाब का सवाल लेते खत्म गुरु जी ने उस मौके कीता और कौडे ने दिखाई दी कौडे ने मरदाने चक के कड़ाहे के छिड़ दिता आके पुज जाए पर कड़ाहा ठंडा ठार हो गया मरदाने रंजक मात्र आंच नहीं बची Thank you.
प्रगाश काटी बेड़ी पगहे पे दुर्कीनी बंद कलाश। बाबा आवन जान रहे हो तत्त कड़ाहा बुज गया गुरु शीतल नाम रहे हो। हाँ जी तत्त कड़ाहा बुज गया शांतदायक वस्तु है निवास कर जाता है। ये मन जिहड़ा कांत रोध रूपी अग दे नाल जलदा बलदा सड़दा हुंदा ये ठंडा ठार हो जाता शांत हो जाता है परम सुखी हो जाता है। तो जिस वक्त बरदाने नु कोई कष्ट नहीं होया और ये शब्द गुरु जी ने बार बार नाथ के उच्चारण किया और दिन बिठाई भी दी उस मौके ये लफ्ज किया तोड़ा इसमें तब देखा तब से क्यों नहीं खा जाता। उस मौके तोड़ा हैरान हो गया पूछने लगा तू मेरा सिंह तू मेरे नाम का वाकफ कितों आ गया ये आके कोई कलाम पढ़ के मेरा कड़ाह ठंडा कर दिता। मैं तो इसमें तलके खाना गुरु जी कहेंगे तलके खा कड़ाह तेरे पास है ये आग मच रही है खा पता नहीं की कर दिता कड़ाह ठंडा हो गया। उसी वक्त उन्हें समझ लिया कलावान पुरख जट ही गुरु बाबा जी के चरण डिगे सिक्खिया मंगिया उसी वक्त दौड़ जाता नाल ही बड़ा घना जंगल से जिदे बड़े चंगे चंगे फलदार दरख्त सन उत्तम बहुत सारे फल तोड़ के गुरु बाबा जी के अगे लिया रखता है और चरने डिगे खिमा मंगता गरीब खिमा मैं आपसे आदमी में तलके खान लग्या गुरु जी कह लगे जीता गुनाही है वो तो खिमा मंग गरीबा वो तो ही मंगा पर आप कृपा करके मैंने बख्शो गुरु जी कहने सरताप सदाई बख्शन है पर उसके बंद खोल उससे खिमा मंग ऐसा ही किया गया और जेड़े फल लिया गुरु बाबा जी अगे रखे गरीब नाल रतनी लाओ गुरु जी ने कुछ थोड़ा फल उल खा के बाकी छोटे होंगे उसने इकलप के मुँह पाए मुँह पाने की देर से गुरु बाबा जी का शीत प्रसाद पाठ खुल जाते हैं साठ होर का होर हो जाता है।
साधु संग किया, छोड़ गए निगाह जिसकी अटकिस्ते छुटी, अब कहां करे कोटवार, चूका भारा कर्म का कोई ने कर्म, सागर से कंडे चढ़े गुरु कीने धर्मा सच थान, सच बैठ का सच स्वाव बनाया, सच कुंजी सच वखरो नानक कर आया। शांत हो गया, परम शांत वर्त गई ओ कौडा राक्ष, जेड़ा जानवरों मार मार के आदमियों मार मार के तल के खान वाला सी, आज वो देवता बन जाता। दुनिया दे विच इन्हां लोगों ने अंदर दैवी गुण कटते हैं, संतोख दया धन विचार शांति क्षमा धीर नैराग भक्ति आदि उन्होंने दुनिया च देवता कहा जाता है। जिन्हों राक्ष गुण कटते हैं असरी गुण कटते हैं उन्होंने असरिया राक्ष कहा जाता है। गुरु कृपा द्वारा यह जीव पशु प्रेतों देवता बनता, पशु प्रेतों देवता पूरे सतगुर की वड्याई, गुरु पशु प्रेतों तो देवता बनाता है, यह वड्याई गुरु की है। पूरे सतगुर की वड्याई पशुआं को Thank you.
Thank you.
वीर्य सत संग न है। वीर सत ऐसा है जैसे लसन की खान सोने बैठे खाइए सख्त हुए निदान। वीर सत संग न कीजिए दूरों जाइए भाग बसन कारो परती ता किस लागे साथ। जिहो जा संगत पिछनो मिल रही है रहे जी रंग पिछड़ा कर दी। इसे दस दिन बुद्ध कह रही है मेरा विनाश पतंग द्वारा होंदा है। इवें इवें केले दा दरख्त बेरी दे पास खड़ा है बेरी दे कंडे होंदे हैं और केले दे पत्तर नरम होंदे हैं। हवा चलती है हवा दे चलन करके तो झूलते हैं वो पत्ते कीरे जाते हैं। इसी तरह ही तो संगत द्वारा बुद्ध कहनी मेरा विनाश होंदा है। तो संगत जाके बुद्ध मलन हो जाती है बुरे बुरे स्वभाव पैदा हो जाते हैं। जैसी इंसान दे बुद्ध होंगी है वैसा ही कर्तव्य करया करता है। वह जी शरीर करके इसके कर्तव्य होया करते हैं। जिमें गड्डी में चलाने वाला ड्राइवर होंगा गड्डी अपने आप नहीं चलती जो जहा ड्राइवर कोई भी गड्डी चलाता अगर ड्राइवर शराब वगैरह पी के गड्डी चलाता गड्डी में जल्दी बन जाता आप भी मरता है मालक में भी मारता। इसी तरह ही अगर बहोश है आप भी सुखी रहता है गड्डी की उम्र भी बच जाती है और मालक भी सुखी रहता। इसी तरह शरीर रूपी गड्डी है बुद्ध इसका ड्राइवर है जीवात्मा इसका मालक है। जिसकी बुद्ध साफ है शुद्ध है जिसम रूपी गड्डी नूं चंगे रस्ते से चलाउंदा जीवात्मा इसका मालक भी सुखी रहता है आप भी सुखी रहता। अगर ये बुद्ध मलन है गलत रस्ते पर चलाएगा बुराइयां भी लगाएगा तो इस तरीके से जीवन जल्दी बर्बाद हो जाएगा। आओ पर बुद्ध का अच्छा या बुरा होना संगत से मनस्तर है। जैसे जी कोई संगत करता है वैसी बुद्ध हो जाती है। सत्संग द्वारा इस सत के पास भी सोझी पे रब के पास भी सोझी पे जिन्हें चंगे चंगे गुण हैं और ये पैदा होंगे जेडे यदि जिंदगी में शिंगारन वाले हैं इसमें देवता बनाने वाले हैं। देवता तो उच्चा उठा के इस असली यदि जी ईसरी अवस्था अस्तित्व करने वाले हैं। पर संघ द्वारा इसमें बुरे स्वभाव पैदा होंगे इसकी जिंदगी ऐसी नरक बना देंगे है। इस वास्ते बुद्ध कहेंगे मेरा विनाश संघ द्वारा होंगे है संघ द्वारा ही मेरा मेरी बर्बादी है। प्यारे जी मारी मैं पुसंग Yeah.
नगर है, उसे एक बहुत बड़ा शाहूकार वर्ग, उसके एक लड़का जन्म हौली हौली उसकी उम्र बढ़ती चली। जिस वक्त उसने जवानी में पैर रखा, उसनु बुरी सोबत मिल गई, बुरी सोसाइटी में उसका रैट उठ हो गया। सत्संग एक तो उम्र ही दी, तीन अवस्था दसियां शरीर दियां, बाल जवानी अर बिरत पुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सही। बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा। बचपन मूड अवस्था दसे, समझ घट हुंदी है, भावे कई कई बुद्ध भागियां नूं समझ आ जाती है। सरूं पंज साल का, पहरा नौ साल का, कोई चर्ज बात नहीं, पर बहुत घट। मूढ़ अवस्था दसे और दूजी जवा अवस्था दसी, वो खटन कमाउण दी उम्र है। तीसरी अवस्था जिहड़ी है उसनूं बुढ़ापा दसे, वो मां रोगां दा तां जीर्ण हो जांदा है शरीर, अनेकां रोग उस मृत्यु विच आ ग्रस्त हैं। इस करके तिन्नी अवस्था दसियां, जे इन्हां तिन्नां अवस्थां दे विच भजन ना कीता जावे ते व्यर्थ जांदी है। अगर भजन कीता जावे तिन्ने सफलियां हो जांदियां। तो आओ बचपन पहली अवस्था मूढ़ अवस्था दसे, जे उस उम्र दे विच इसनूं सत्संग मिल जाए, जल्दी इसका जीवन सुधरदा है। साफ कपड़े में जल्दी रंग चढ़दा हुंदा। पहली उम्र दे विच और ऐसे वैसे संस्कार चित विच पैदा नहीं होए हुंदे, जिहड़े ला के फिर दूसरा परमार्थ दा रंग चढ़ना पैसे ही शुद्ध हुंदा। पर जदों इसनूं बहुत से सारी देर संयुक्त विचरण का मौका मिल जाए, इहदे संस्कार मैले हो जांदे, फिर इसनूं रब दे पास रंग चाढ़न वास्ते पहले घो लाउणे पैंदे, फिर रंग चढ़दा। पर इधर जिस वक्त युवा अवस्था विच पैर रख्या इसने शाहूकार दे मुंडे, बुरी सोबत मिल गई, बुरी सोसाइटी विच बैठ उठ हो गया, जही जी संगत वैसी रंगत अवशी होंगी, उत्थे की कुछ चलता, डंडा राग सुभा जुआ होर जो कुछ भी यह जहा कुछ चलता, वह जहा सुभा इसका बनता चला है। जे कोई सियाना आदमी उसका कोई हितु कोई संबंधी समझाने की कोशिश करता है, उसके उसका असर उसके मन के उपर यूं नहीं होंदा, जिमें संधे घड़े के पानी पाओ, उसके रंजक मात्र भी प्रवेश नहीं कर। क्यों चंगी नसीहत माड़ी मत वाले नूं असर नहीं करया करती, क्योंकि बुराई की संध्याई चढ़ी होंगी वो मन के, संध्याई उस चंगी शिक्षा का असर नहीं होने दी। तो इसी तरह शाहूकार का लड़का, अन्न पदार्थ दी जेबां भर ले जाणियां, खाण पीण वाले बहुत से, खूब शराब शवाब उड़दा है, कोई खिलाने वाला चाहिए, खाने वाली सारी दुनिया बथेरे चार चेहरे चुनौत पाने वाले तैयार हो जाते। इसी तरह जो कोई समझाता वो परवाह नहीं जानता, पर यह जरूरी है इंसान जब कुछ देर बुराइयों में विचरता है, उनका असर मन से शरीर से दोनों से होंगे। मन तो मेला हो ही जाता है, उसका असर शरीर में भी रोग लग जाया करते हैं, क्योंकि माणी हूं दसी है Thank you.
जो कंचन सुहागा ठाले काम करो ये शरीर दाया विनाश कर दे इमें सुनियार लोग कुठाली विच पा के सोना अग ते रख दे उसके सुहागा पाते हैं तब सोना चलता यानी वह सुहागा सोने में ढालन समर्थ। इसी तरह ही काम क्रोध ये शरीर का विनाश करने वास्ते अनेक रोगों का शिकार बनाने वास्ते दोवें ही समर्थन पाने हंटाए अंदर बहुत सारे होर काम क्रोध लोभ अहंकार ये बड़ी भारी जमात है आसरी गुणा की एक आंदा सारे ही आ जाते इन इन्ना इन्हों का एक तो क्यों गुरु जी दसते हैं सब अवर पंचा मेघ जना क्यों राखों करवा बार मना लूटे मारे नीत नीत किसी आगे करी पुकार जना श्री राम नाम उजर मना आगे जंगल बिख मना राख पिता पर मेरे मैं निर्गुण सदगुण तेरे पंच बिखा दी एक गरीबा राखो राखन हारे पंच सर्वर पंखी एकड़ो पाई वाल पचास ए तन लहरी लटती सच्चे तेरी शिकारी बहुत हो जीव इक होवे ओदा बचा के मैं जीव इक ते शिकारी बहुत प्राप्ति होंगी नहीं अगला शब्द सता स्वरूप विद्या संता राग एक कोई माई है उसका बच्चा उसने अपने बच्चे ऊपर कुछ देर बाद से बड़ा क्रोध आया गुस्सा आया उस आनंद सागर नाल सुख जुड़े बिना ठंड सुख आनंद की प्राप्ति होंगी नहीं अग का काम कर दे जीवन तपाए मान कर दे क्रोध पता उसने अपने बच्चे ऊपर डॉक्टर के पास बीमारी का इलाज है मौत का इलाज कोई नहीं फिर कुछ उसने बच्चे दुध चुंगा दिता बच्चा दुध चुंगने सार ही मर जाता बड़ा शोक होया डॉक्टर ने पास फिरना शुरू किया कह लगी कोई बीमारी नहीं सी कोई तकलीफ नहीं सी दुध चुंगन सारी बच्चा मर गया पता नहीं की गल सारे डॉक्टर कहते मता मौत का की इलाज है डॉक्टर ने पास बीमारी का इलाज है मौत का इलाज कोई नहीं फिर एक सियाना सी डॉक्टर वो पूछन गया माता तू कहने दुध चुंगन सारी बच्चा मर गया क्यों दस तू जिस वक्त इसनों दुध चुंगाया तेरे मन के ख्यालात कहे जन शांत सन या किसी क्रोध आदा गलवा तेरे मन के उपर यह सुन के कह लगी मेरे चित विच दो घंटे इतना ज्यादा क्रोध वसदा सी मेरा
मेरा शरीर पैर दे दूसरे सिर की चोटी तक अगमा मुसलता। डॉक्टर कहेंगे फिर किसी का की दोष है, बच्चे के मर जाने किसी दोष कोई नहीं, तेरी अपनी गलती है। जिहड़ा क्रोध है यह जहर का काम करता, तेरे दुध में जहर भर गया क्रोध करके, कुछ देर ठहर जाना सी, मन शांत कर लेना सी, पर तैं उसी वक्त इस दुध चुंगा दिता और जहर दे दुध में प्रवेश होने करके बच्चा मर। सातक ये चीजा जहर बल्कि जहर तो भी ज्यादा दुखदाई है। खुद देखा करो जो मन में क्रोध आता है यह जी हालत होंगे, सीट किमें खोलता है, खून किमें उबलता है, पैर के गुस्से तो सीधी चौकी तो सारिया नाड़ियां जिन्या 72,00,00,00 10,200 एक नाड़ी है जिसमें अंदर छोटिया व्डिया किमें सब दे फतूर आया हों है, किमें सब अक्षय टवाइया होंदिया हम तो सारा ही सिलसिला बिगड़िया। जो यहोजी हालत है जितनिया बीमारियां लगन गए जी हाल के शरीर में, बस जिस इंसान का चित शांत रहा है वोदिया बहुत सारिया बीमारियां कुदरती हट जा। जिस इंसान के चित विच कोई यहोजा काम क्रोध आदा गलबा रहा हर वक्त, उसनों बहुत सारिया बीमारियां बड़ी जल्दी लग जाया कर दी। कदे गुरु जी यूं कहते हैं काम क्रोध काया तो गल ज्यों कंचन सुहागा काले, यूं शरीर का विनाश कर समर्थ हट जाया कर दिया। और जिस इंसान के चित विच अशांति इना आसी गुण का गलबा रहा है उन्होंने बहुत सारी बीमारियां वशी लग जाए। पहले बीमारियां मन पैदा होंगे, मन तो फिर तन विच आंदियां क्योंकि तन और मन का गहरा संबंध है। शरीर सारे पंजां तत्तां दे बने, मिट्टी है, पानी है, अग है, आकाश है, मन इन्हे सूक्ष्म अंश है और तन स्थूल अंश है, दोनों का गहरा ताल्लुक है। तो मन जिसका अशांत रहा है उसे बहुत सारी बीमारियां अवश्य लगती हैं। अशांत क्यों रहा है? परमेश्वर का भजन भूलन करके मन अशांत और दुखी रहा। जिस मन के परमेश्वर के भजन का वासा है तो मन सुखी और शांत रहा करता, ठंडा ठार रहा करता है।
सदैव गुरु जी ऐसा फरमाते हैं। जपन सुबह रोज राम से राम से परमेश्वर भुलदा है यह काम क्रोध आदि रोग लगते हैं, मन अशांत हो जाता है, अशांत मैला और खिंडिया मन अत्यंत दुखी होता है। तो इस करके मन दे रोग लगन करके तन भी रोग आके लग्या करते हैं। वो प्रेम शाहूकार का लगता है। बड़ी देर तक तो संगत द्वारे और शराब कबाब जुआ जितने ऐप सन उन्होंने प्रवृत्त रहा। अखीर नतीजा यह होया उसके शरीर में बीमारियां शुरू हो गई। हमें इलाज मुआलजे कराए जा रहे हैं पर सास को हट नहीं रही। जेडे एक बजे रोग लगते हैं वो अक्सर असाध रोग हो जाते हैं। इस करके घर दे बहुत समझाते रहे, बहुत कुछ उसनों चंगी नसीहत देने की कोशिश करते रहे पर एक ना मने। अखीर यह जी बीमारी बन गई कोढ़ दे आसार, कुष्ठ दे आसार जाहिर हो। जो यह जी हालत देखी जेड़े ओ प्याले नवाले दे दोस्त सन उन्होंने तो हम कोई नेड़े नहीं आता। क्यों जानने असी तो यह इलाज भी नहीं करा सकना। यह तो शाहूकार का मुंडा धन पदार्थ बहुत है कर लेगा असी की करांगे। बेहतर है पहले दूर सत्संग दुनिया सुखदी है तो कुछ सारे दूर चले जाते हैं। यूं गुरु जी दसते हैं Thank you.
सोता हूँ सो ना, ज्ञान बहुत मिल बैठ रहे दुष्केरे विपरी सभी संचार सो न आवत मेरे करती ना बहुत जिज्ञास रहता संग लागी जब हंस जी काया प्रेत प्रेत कर पागी ए विद को व्यवहार बने हुए ज्ञान सो नियम लगाए अंत बार नानक बिन हरजू को काम आ पाए जगत में झूठी देखी प्रीत अपने ही सुख से सब लागे क्या दारा क्या मीत मेरो मेरो सब एक कहते हैं इससे बांधे चीत अंतकाल संगी न को ए आचार्य है रीत मन मूर्ख अजू ने समझत सिख दे हारो नीत नानक भोजन पार परे जो गावे पर्व के एवं जे बुरे सुभाव पैदा होके चढ़ती उम्र दे बच्चे ए रोग देखने आए जीन का इलाज होना बड़ा मुश्किल हकीम डॉक्टर सब जवाब दे जाते बीमारी का इलाज हो चुकी है तो संगत द्वारा यह जे बुरे सुभाव द्वारा रोग का पैदा कर लेंगे पर ओ, दूसरे प्याले वाले के मित्र नेड़े नहीं फिर पाते संसार की एलजी हालत है एलजी ही दिशा है तो उस प्रेम भी जो यह हालत देखी शरीर नोजा भयानक रोग कोड़ वर्गा लग गया मित्र दोस्त सब दूर रहने लग गए कोई नेड़े नहीं आता क्यों कहने इसके जन्म बहुत बुरे होंगे इस बीमारी के किरम बहुत खराब हैं जेकर सानू लग गए तो सानू भी यहोजा ही दुखी होना पड़ेगा इस करके तो दूर ही चंगा हम उ जेड़े कदे का खेड़ा नहीं सन छड़दे क्यों जेबा रुपये का फरके ले जाता तो खिला हूं कोई नेड़े नहीं आता दुख पै गया है तो क्यों यह जी हालत कर दे भी कहते हैं काका बीबा उदो तेन समझा रहे बी बुरी सोसाइटी बैठना चंगा नहीं बुरी सोच जीवन बर्बाद कर देती है उ तेन इसका फल लग गया जेड़ा बीज है उ बढ़ता है तेरे शरीर में अजे रोग लगे पर असि चूंकि संबंधी हाँ सानू भी यदा दुख है इलाज मुआलजे करा रहे हैं पर सासिंग बीमारी वही ही चली जाती है अखीर करद्या ने भी सोच लिया ये बीमारी बहुत खतरनाक है ये किरम सानू ना कि चिमड़ जान बेहतर है यदि छपरी बाहर पा दें कुछ उत्ते भी हैश हो जाएगी इतने सारे घर के जन्म फैल के सारे रोगी ना ना बना प्रेमे की छपरी सूते पा दी गई मंजा बिस्तर दे डरद ने घर रहना चंगा नहीं ए जन्म अच्छे नहीं और नन ए बीमारी ना कि चंबड़ जाए उत्ते उसकी रोटी दे आने वेड़े वेड़े सिर पर कुछ दिन गुजरे तो बाद वो भी नागे पैन लग पे कोई नजदीक नहीं जाता तो शरीर विचों पीक पैन लग पे बुरी हालत हो गई है छड़ियान मार दी है इतने ही नक उतरिया है पर एक गल दसी जहां को मुश्किल अतबने धोई कोई ना दे लागू हो दुश्मन साख वे भजे चले भजे सब आसरा चुके सबर कराओ चीते आवे उस पादों लगे न सत्ती इंसान दुख विच नास्तिक भी आस्तिक बनते देखे गए जेड़े कहने रब नहीं तो जो कोई बिपता पी दुख पैदा है वो भी रब की हस्ती से विश्वास लिया फरमस्तियां कह लग पे रब है नहीं तो इस करके उ प्रेम जोड़ा सत्संग जाने वाले भजन पाठ करने वाले गुरुमुखा अपनी सोसायटी समझोलियों मिल के खरमस्तियों लग्या होया टिचर माहौल करते अज उन्होंने याद आ गया भी रब कोई नेड़े नहीं आता इतने ही नर्क भुगत रहा है सो हम सारे गल वाली कई गुरु स्त्रोत्र बोलना ऐसा ना कोई रह जी जेड़ा अपनी जबान पवित्र से सफला ना कर सके तन है तन है तन Thank you.
Thank you.